दोस्तों हम और आप तो क्रिकेट मैच जरूर देखते हैं। क्रिकेट के बारे में आपको इसी चैनल स्पोर्ट्स टाइम इंडिया में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। वहां पर मैं क्रिकेट के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और बना भी रहा हूं। और ऐसे वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी एक साथ इतने पैमाने में देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं आपको सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये भी आपको किसी जगह पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब नहीं रहेगा, और वो है क्रिकेटर्स क्या पीते हैं। दोस्तों मैं क्रिकेटर घर में क्या पीते हैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्रिकेटर घर के बाहर पार्टीज में क्या पीते हैं उसके बारे में भी नहीं बात कर रहा हूँ, क्रिकेटर्स अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या पीते हैं वो भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर ग्राउंड में क्या पीते हैं। जी हाँ, ग्राउंड में मतलब ग्राउंड में, पेवेलियन में बैठकर नहीं, ग्राउंड में जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है या फिर कभी कभार हम लोग देखते हैं 12th मैन बाहर से आ जाता है कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेके, उसे पिया जाता है उस वक्त ग्राउंड में। तो वो क्या ड्रिंक है, रहता क्या है वहां पर, इसके साइंटिफिक रीजन क्या है, क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या नहीं दिया जाता है, आप लोग अगर वो ड्रिंक लेना पसंद करेंगे तो आपका क्या फायदा होगा और आपको कहाँ मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ड्रिंक्स ब्रेक क्यों होता है और ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत क्या है। दोस्तों ड्रिंक्स ब्रेक क्या होता है, ड्रिंक्स ब्रेक कोई भी मैच में पहले तो हर 10 ओवर बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक या फिर हर 12-13 ओवर बाद ड्रिंक ब्रेक लिया जाता था। अगर बहुत सनी या फिर ह्यूमिड कंडीशन रहा तो ड्रिंक्स और भी बहुत जल्दी लिया जाता था। इसके कारण है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, आपके शरीर में जितना पानी है वो पानी अगर कम हो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन मतलब आपके गेम में सीधा असर होगा। मैं खोल के बताता हूँ। दोस्तों हमारे शरीर में जो वाटर लेवल होता है वो लेवल हमेशा एक नहीं रहता है। जब क्रिकेट में भागा दौड़ी होता है वहां पर बहुत पसीना छूटता है, और इस पसीने के लिए जो अंदरूनी पानी है यानी वाटर है शरीर में, वो वाटर बाहर निकल जाता है और उसी कमी आपको पूरी करने के लिए पानी पीना पड़ता है। क्योंकि 1% अगर डिहाइड्रेशन हुआ यानी पानी की कमी अगर 1% भी हुआ पूरे शरीर का, तो भी आपके शरीर में इफेक्ट होगा, तभी भी आपके गेम में असर होगा। तो ये बेअसर करने के लिए कोई भी क्रिकेटर को पूरे दिन का मैच चलते हुए 1-3 लीटर तक पानी पीना ही होता है। मैं नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ ये ड्रिंक्स को छोड़ के। और अगर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन रहा तो वहाँ पर हर आधे घंटे या फिर 1 घंटे में एक छोटा ड्रिंक लेना ही चाहिए, या फिर हर 1.5 घंटे में एक अच्छा ड्रिंक्स ब्रेक होना चाहिए। तो इसी के लिए ही ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाता है ताकि प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छा रहे और चुस्ती और फुर्ती से खेले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्रिंक्स ब्रेक में क्या नहीं दिया जाता है। दोस्तों ड्रिंक्स ब्रेक में सबसे पहले जो वर्जित है वो है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल ड्रिंक्स ब्रेक में एकदम दिया नहीं जाता है क्योंकि अल्कोहल से डायरेक्ट गेम में असर होता है, ये हम और आप जानते हैं। और ज्यादातर देशों में क्रिकेट एरिना में अल्कोहल अलाउड नहीं है प्लेयर्स के लिए। इसके बाद टी और कॉफी, कोल्ड हो हॉट हो कोई भी टाइप का अगर ड्रिंक्स होता है, कॉफी या फिर टी वहां पर नहीं दिया जाता है क्योंकि कॉफी और चाय ये दोनों ही बॉडी को डिसबैलेंस कर सकता है। 1% डिसबैलेंस मतलब पूरा गेम बिगड़ जाना। हाँ, खिलाड़ी लोग अगर मैदान के बाहर होंगे यानी ड्रेसिंग रूम में होंगे वहां पर वे लोग बैठ के कॉफी या फिर टी पी सकते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को दिया क्या जाता है। दोस्तों ड्रिंक्स में बहुत सारा वेरिएंट रहता है, ये वेरिएंट कौन डिसाइड करता है, ये वेरिएंट डिसाइड करता है टीम के डाइटिशियन और जो डॉक्टर है वे लोग मिलके ये डिसाइड करता है कि क्या ड्रिंक भेजा जाएगा, क्योंकि वहां पर लिमिटेड ड्रिंक ही भेजा जाता है। लिमिटेड मतलब लिमिट में नहीं, किसे कौन सा ड्रिंक पीना होगा वहां पर डेडिकेटेडली भेजा जाता है। किसी के लिए सिर्फ पानी भेजा जाता है, किसी के लिए पानी के साथ ग्लूकोज मिलाकर दिया जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। किसी को ग्लूकोज में इश्यू हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी है डायबिटिक लेवल पे आ जाता है या फिर डायबिटिक लेवल के बॉर्डर में रह जाता है, तो उन लोगों के लिए ग्लूकोज एकदम उचित नहीं होता है, तो इसलिए उन लोगों को सिर्फ पानी दिया जाता है। लेकिन जो मेन चीज होता है वो मेन चीज होता है फॉर्मुलेटेड आइसोटॉनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। जी हाँ, अभी ये ड्रिंक्स क्या होता है, ये ड्रिंक्स देखने में थोड़ा कलरफुल होता है। कलरफुल मतलब इसका कलर किया जाता है इसलिए ताकि कलर से हम पहचान सके कौन से फ्लेवर के है। जी हाँ, ये फ्लेवर में भी उपलब्ध है। तो इससे क्या होता है, इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये जो ड्रिंक्स होता है इससे मसल में टेंशन कम होता है, टेंशन रिलीज होता है मसल का, तो आउटपुट क्या मिलता है, चुस्त फुस्त और तंदुरुस्त। और इसके साथ साथ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लगाया जाता है वहां पर, लेकिन जिन जिन को सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना अलाउड है उन लोगों को ही दिया जाता है।
और इसके साथ साथ कुछ जूसेस भी रखा जाता है, लेकिन नो शुगर ऑरेंज जूस या फिर पाइनएप्पल जूस, जो जिसके लिए तय किया जाता है वही जूस भेजा जाता है। साथ में मिनरल वाटर, स्क्वाश या फिर कॉर्डियल तो रहता ही है। अगर थोड़ा भूख लगे तो वहाँ पर केला यानी बनाना वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि केला शरीर के लिए और स्मॉल फूड हैबिट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं ये जो फॉर्मुलेटेड आइसोटॉनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक है ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे मिलता है। जैसे गेटोरेड, गेटोरेड एंड्योरेंस, पावरेड आयन 4, मैक्सिमस, गो इलेक्ट्रोलाइट, स्टेमिनेट, ये सब होता है प्रोडक्ट। और ये सब प्रोडक्ट आप अगर सर्च करेंगे आपको इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ये कंज्यूम करने से पहले आपका जो कोच होगा या फिर आपका जो डाइटिशियन होगा उनसे कंसल्ट जरूर कीजिए। और ये सब के साथ मिनरल वाटर तो वहां पर रहता ही है। तो दोस्तों आपको क्या ये सब पता था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।